धरा हूँ मैं मगर चाहूँ तो अंबर बन भी सकती हूँ। धरा हूँ मैं मगर चाहूँ तो अंबर बन भी सकती हूँ। मैं एक छोटी नदी हूँ पर समंदर बन भी सकती हूँ। मेरी हर एक दुआ में तेरा ही जिक्र है शामिल। मेरी हर एक दुआओं में तेरा ही जिक्र है शामिल। तेरे बिगड़े नसीबों का मुकद्दर बन भी सकती हूँ। तेरे बिगड़े नसीबों का मुकद्दर बन भी सकती हूँ। जो है इस मंच पर कुछ बहुत ही खूबसूरत दूधिया रोशनी सी है। अभी चांदनी आई, अब पूनम का चांद आएगा निकलकर, मतलब गजब ही अद्भुत ही एक दृश्य होने वाला है। और आप सभी को मैं बता दूं कि पूनम मिश्रा जी, हमने इनको टीवी पर बहुत मर्तबा सुना है, देखा है, और आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ साक्षात यहाँ मंच पर विराजमान हैं और हम सब इन्हीं को सुनेंगे। भाई तालियाँ क्या हुई। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के पेशेंस को भी प्रणाम करती हूँ। बहुत धैर्य से आप सभी बैठे हैं यहाँ पर, मैं समझ रही हूँ। और मैं कुछ गीतों में और अपने मुक्तकों में अपना स्थान लूँगी। आप सभी सुनिए, मैं लखनऊ से आई हूँ आप सभी को अपने गीत मुक्तक सुनाने। बहुत बहुत आभार। अभी यहाँ मैम बैठी थी हमारी सिंघम लेडी, तो मैं पहला मुक्तक अपने देश को ही समर्पित करती हूँ। और विभिन्न विभिन्न देशों से हमारे यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं सभी लोग, अपने देश अपनी कंट्री से तो प्यार करते ही हैं। तो मैं एक मुक्तक आप सभी को सुनाती हूँ, आप सभी सुनिए। यूं ही अविरल हमेशा माँ गंगा रहे। यूं ही अविरल हमेशा माँ गंगा रहे। शांत हो राष्ट्र कोई न दंगा रहे। हो मेरा ये वतन प्रेम का एक चमन। हो मेरा ये वतन प्रेम का एक चमन। सबसे ऊंचा ये अपना तिरंगा रहे। सबसे ऊंचा ये अपना तिरंगा रहे। सबसे ऊंचा ये अपना तिरंगा रहे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी ने ये जता दिया कि चाहे जितना भी थका हो, चाहे जितने भी मुसीबत हो, पर अगर देश के लिए खड़ा होना हो किसी देश के सिपाही को, तो वो इसी तरीके से तालियों से स्वागत करता है। जय हो, जय हो। बहुत बहुत आभार। और अभी एक सर थे यहाँ पर, उन्होंने मदर टंग की बात की थी। उनका नाम तो मैं नहीं जानती, बट यहाँ पे जब डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने मदर टंग की बात की थी। तो मैं एक चार पंक्तियां हिंदी को समर्पित करती हूँ। जितने भी हिंदी जानने वाले हैं वो आप सभी आप लोग समर्थन कीजिएगा। हृदय के हर्ष अनुभव वेदना का सार है हिंदी। हृदय के हर्ष अनुभव वेदना का सार है हिंदी। हमारी साधना का दिव्यतम उपहार है हिंदी। हमारे राष्ट्र की और धर्म की पहचान है इससे। हमारे राष्ट्र की और धर्म की पहचान है इससे। जगत में प्रेम के अध्याय का विस्तार है हिंदी। जगत में प्रेम के अध्याय का विस्तार है हिंदी। बहुत बहुत आभार। और अभी मैम ने पूछा कि कौन कौन प्रेम में है, तो कई लोगों ने हाथ उठाया। और मैं मूलतः श्रृंगार ही लिखती हूँ, तो आप सभी को चार चार पंक्तियों से जोड़ूंगी, आप सभी सुनिए। रात भर दो नयन झिलमिलाते रहे। रात भर दो नयन, जब प्रेम की बात होती है तो डूब के सुनना होता है। रात भर दो नयन झिलमिलाते रहे। प्रीत की वेदना को सुनाते रहे। बात हमने न की हम रहे मौन पर। बात हमने न की हम रहे मौन पर। गीत को दो अधर गुनगुनाते रहे। गीत को दो अधर गुनगुनाते रहे। प्रेम के रंग
रंग में मैं ढलूं तुम ढलो, प्रेम के रंग में मैं ढलूं तुम ढलो, प्रेम संवाद को मैं सुनूं तुम सुनो, प्रेम होगा मर अपना सदियों तलक, प्रेम होगा मर अपना सदियों तलक, प्रेम की सारथी मैं बनूं तुम बनो, प्रेम की सारथी मैं बनूं तुम बनो। चलिए, मेरा जो मैम ने बोला कि टीवी पे जो मुक्तक, मैं आप सभी को वही सुनाती हूँ और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं मैं उनको समर्पित करती हूँ कि देखिए, जो स्त्रियाँ होती हैं उनका प्रेम कैसा होता है, वो अपना व्यक्त तो नहीं करती, हर जगह ढूंढ भी लेंगी पर जहाँ ढूंढना है वही नहीं ढूंढती। आप सभी सुनिएगा। फलक के चांद तारों में सितारों में तुम्हें ढूंढा, फलक के चांद तारों में सितारों में तुम्हें ढूंढा, जमीं से आबशारों में नजारों में तुम्हें ढूंढा, मेरे दिल में नहीं हो तो कहीं भी तुम नहीं जाना, मेरे दिल में नहीं हो तो कहीं भी तुम नहीं जाना, मगर मैंने हमेशा ही बहारों में तुम्हें ढूंढा, मगर मैंने हमेशा ही बहारों में तुम्हें ढूंढा। और देखिएगा कि एक लड़की चाहे तो क्या कर सकती है। धरा हूँ मैं मगर चाहूँ तो अंबर बन भी सकती हूँ, धरा हूँ मैं मगर चाहूँ तो अंबर बन भी सकती हूँ, मैं एक छोटी नदी हूँ पर समंदर बन भी सकती हूँ, मेरी हर एक दुआओं में तेरा ही जिक्र है शामिल, मेरी हर एक दुआओं में तेरा ही जिक्र है शामिल, तेरे बिगड़े नसीबों का मुकद्दर बन भी सकती हूँ, तेरे बिगड़े नसीबों का मुकद्दर बन भी सकती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी। आज ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि लखनऊ के लोग वाकई में बहुत मीठे होते हैं, वाणी की भी और जो मुस्कुराहट है इनके चेहरे पे, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़ एंड